पीलीभीत के थाना अमरिया में एक दिन पहले ही एक किसान को टाइगर ने अपना निवाला बना लिया था। वही दूसरे दिन भी बाग में सरेंडा पट्टी में किसान को निवाला बना दिया है। आए दिन बाघ का आतंक पीलीभीत पर छाया हुआ है। वन विभाग भी नाकाम बाघ के सामने घुटने टेकने को मजबूर है। पीलीभीत के सरेंडा पट्टी में शमशुल नाम के शख्स को बाघ ने अपना निवाला बना डाला। न जाने पीलीभीत की सौगात टाइगर रिजर्व लोगों को मौत की सौगात बनता जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या वाकई इन घटनाओं के चलते प्रशासन और सरकार मिलकर इसका कुछ उपाय सोचेगी या फिर मूक दर्शन बन मुआवजा देकर डंका पीटती रहेगी। बाघ की खौफनाक घटनाएं तो एक श्राप सी बन गई है, जहां हर तरफ दहशत फैल गई है। के लिए खेत पर गया था। कौन गया था? भैया। क्या नाम था भैया का? शमशुर रहमान नाम है। फिर क्या हुआ? एक ही वीरन शेर ने खा लिया मेरे वीरन को। हमने आकर देखा शेर यहाँ पर जब आया था तो हम देख रहे थे भाग का, उसको देखकर और शव वहाँ पर पड़ा हुआ था व्यक्ति का, उनका नाम शमशुर रहमान है और उन्हें शेर खाकर चला गया। हम लोग जब तक पहुँचे उसको भगाया, हमने गन्ने के अंदर देखा, ग्रामीण जब तक वहाँ पर पहुँचे तो कुछ वहाँ पर हमने इसकी हमें बॉडी चाहिए शेर की और कुछ नहीं चाहिए सर इसका। पुलिस आज लगा गई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। क्या घटना हो गई आज? एक व्यक्ति है वो खेत में काम करने गया था, उस पर बाघ ने अटैक कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। वन विभाग क्या कर रहा है? कल भी एक घटना हो गई। कल भी एक घटना हुई थी, उसमें भी वन विभाग देर रात तक शेर बाघ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और शायद उसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए एक इंजेक्शन उसको लगा भी था, लेकिन फिर भी वो लोग पकड़ नहीं पाए। आज भी पूरे दिन वो लोग लगे हुए थे और अभी भी वहाँ पे अमरिया में जहाँ पे कल घटना हुई थी वहाँ पे वन विभाग की टीम है। मैडम बताया जा रहा है कि वन विभाग कहीं कमी कर रहा है, केवल कॉम्बिंग करा रहा था, कोई ट्रैंकुलाइज टीम नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था उनके साथ में, ऐसा भी था कहीं? नहीं, प्रॉपर उनकी टीम थी, जो जो चाहिए जैसे जैसे विशेषज्ञ उनको चाहिए थे वो सब वहाँ पे मौजूद थे। हम लोग भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि बाघ पकड़ लिया जाए किसी तरीके से। We'll be right back.